हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आगरा बाइक मैकेनिक। तो दोस्तों, आज हमारे पास डिस्कवर 125 एसटी आई हुई है। तो दोस्तों, ये 93,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो दोस्तों, इसके इंजन में प्रॉब्लम आ चुकी है। जो प्रॉब्लम आई क्यों, तो यही हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं इसकी आवाज़ कैसी निकल रही है। तो दोस्तों, गाड़ी को खोलते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आती है प्लीज़ इसे लाइक से जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, यही हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि इस गाड़ी में क्या प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम आई क्यों। दोस्तों, इसका ऑयल पंप जाम हो चुका है और जाम होने की वजह से इसके जो दांते हैं वो कट चुके हैं। इसी कारण से जो इंजन का ऑयल है वो ऊपर नहीं पहुंच पाया है। तो इसके चक्कर में ये इस इंजन सीज होने लगा था और यही इसकी वजह से ऑयल ना पहुंचने के कारण ही आवाज़ आई है इंजन के अंदर। कुछ पार्ट कट चुके हैं। हमने इसके इंजन को खोल लिया है। तो दोस्तों, इसका जो चेन का गाइड है वो टूट चुका था, इसके ही कारण इसके अंदर प्रॉब्लम आई है। ये देखिए, इसके अंदर ये टुकड़ा डला हुआ है और इस टुकड़े का जो बुरादा था वो ऑयल पंप के अंदर फंस चुका था, जिससे कि हमारा ऑयल पंप नहीं चल रहा था।
तो दोस्तों इसके अंदर जो खराद का काम होगा, जैसे क्रैंक रिपेयर होगी, पिस्टन बोर होगा, तो इस काम को हम कराकर सीधे डायरेक्ट इंजन को फिट करते हैं गाड़ी के अंदर, और इसमें जो भी पार्ट डलेंगे उन पार्टों को डालते हैं। दोस्तों ये बजाज का ओरिजिनल ऑयल पंप है, कभी भी अपनी गाड़ी में कोई भी पार्ट डालें तो ओरिजिनली पार्ट डालें, क्योंकि ओरिजिनल पार्ट अच्छे से वर्क करता है। इसके हेड के अंदर जो रॉकर लगते हैं वो भी सूखे चलने की वजह से कट चुके थे, तो इन्हें भी हम ओरिजिनल ही बजाज के चेंज कर रहे हैं। दोस्तों इस गाड़ी को चेक करते हैं स्टार्ट करके, और दोस्तों वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक से जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।